गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपको मोरल साइंस में थर्ड चैप्टर पढ़ाएंगे जो कि अब क्या है, पेशवा नेवरोज, शांतिपुर पड़ोस। देखिए ये स्टोरी बहुत अच्छी है। इसमें रसि नाम की लड़की रहती है जो कि जहाँ पे जाती है वहाँ के पड़ोसियों में बहुत तनाव रहता है, तो कैसे वो सबको एक कर देती है ये इसमें हम पढ़ेंगे। तो देखिए, रसि शिफ्टेड टू ए न्यू प्लेस इन कश्मीर। रसि नए प्लेस में शिफ्ट होती है कश्मीर में। द वेदर वॉज वार्म इन कश्मीर। कश्मीर का मौसम गर्म रहता है। आफ्टर मैनी वीक्स ऑफ स्नो, बर्फ के कई हफ्तों बाद, द नाइबर्स इन विकास नगर वेयर कमिंग आउट फ्रॉम देयर होम्स। विकास नगर में पड़ोसी अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। वाइल सम वेयर कटिंग ग्रासेस एंड वेडिंग देयर गार्डन्स, अदर वेयर इंजॉयिंग द वार्मथ ऑफ द सन। जब कुछ घास काट रहे थे और अपने बगीचों को मतलब वहाँ पे तौल रहे थे, टहल रहे थे इधर उधर, और अन्य लोग सूर्य की गर्मी का आनंद ले रहे थे। द नेवर हैड नॉट बीन इन टच विद ईच अदर फॉर द पास्ट मैनी वीक्स, देयर वॉज नो एक्साइटमेंट एंड फ्रेंडली। पड़ोसी पिछले कई सप्ताहों से एक दूसरे से संपर्क में नहीं थे और पड़ोसियों के बीच कोई उत्साह और कोई गर्मजोश भी नहीं था। द कॉमनलेयर टेंशन इन कश्मीर हैड बिल्ड ए ब्रिज बिटवीन द नाइबर्स एंड दे परफेक्ट टू कीप ए डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। कश्मीर में सांप्रदायिक तनाव ने पड़ोसियों के बीच एक सेतु बनाया था और वे एक दूसरे से दूरी बनाए रखना पसंद करते थे। इट वॉज इन सच ए नाइबरहुड दैट रसि मूव्ड इन विद हर पेरेंट्स। यह एक ऐसे पड़ोस में था जिसे रसि अपने माता पिता के साथ गई थी। हर फादर एंड आर्मी मैन, उसके पापा आर्मी मैन थे, हैड बीन ट्रांसफर टू कश्मीर, और उनके पापा का ट्रांसफर कहाँ हुआ था, कश्मीर में। रसि हैड फ्रेंडली नाइबर्स एट देयर प्रीवियस प्लेस इन जोधपुर। रसि जोधपुर में अपने पिछले स्थान पर अनुकूल पड़ोसी थी। रसि वॉज टोल्ड दैट इट न्यू हर न्यू नाइबरहुड द थिंग्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट। रसि को बताया गया कि उसके नए पड़ोसियों में चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। नो वन कम ओवर टू वेलकम रसि एंड हर पेरेंट्स। कोई भी रसि और उसके पिता मतलब पेरेंट्स का वेलकम करने नहीं आता है। एंड वेन सी गेव ए वार्म स्माइल टू हर नाइबर्स डॉटर, देयर वॉज नो रिस्पॉन्स। और जब उसने अपने पड़ोसी की बेटी को एक मतलब मुस्कान दी, उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। दिस इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, थॉट रसि। रसि ने सोचा ये तो बहुत मुश्किल होता जा रहा है। पापा विल बी आउट फॉर मैनी डेज एट ए स्ट्रेच एंड मदर हैज अ जॉब इन द लोकल स्कूल। उसने सोचा कि पापा कई दिनों तक बाहर रहते हैं और मतलब उसकी मम्मी एक लोकल स्कूल में जॉब करती है। आई विल सिंपली गो बैड, अब मैं बड़े आसानी से पागल हो सकती हूँ। इफ़ आई डू नॉट मेक फ्रेंड्स, यदि मैंने कोई फ्रेंड्स नहीं बनाया। वॉट हैज हैपेंड टू नाइबर्सहुड इट वेयर, पड़ोसियों के शिष्टाचार को क्या हुआ है। रसि सा दैट सनी आंट डिड नॉट बॉदर अबाउट स्टॉपिंग हर लिटिल बॉय फ्रॉम ट्राई साइकिलिंग इन मिस्टर मलिक गार्डन। रसि ने देखा कि सनी की चाची ने अपने छोटे लड़के को भी मिस्टर मलिक के उद्यान में तीन पहिया साइकिल से मतलब जब जा रहा था तो उसको रोकती हैं। रॉकी मैन फेस एंड टिंकू वैन ही पास बाय ऑन द पेवेंट एंड द मिर्जाज वेयर क्लियरली ए लोनली कपल। रसि ने टिंकू का सामना तब किया जो वह प्रबलता से गुजर गया और मिर्जा स्पष्ट रूप से एक अकेले युगल था। ये आपका फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट आपको नेक्स्ट पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।